त्योहार होली बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। हर किसी को बस इस खूबसूरत त्योहार का बेसब्री से इंतजार है। होली के दौरान होलिका दहन का भी खूब महत्व होता है। रंगों के त्योहार होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन इस साल 24 मार्च को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका की अग्नि बेहद पवित्र होती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन के साथ कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन की राख से कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। धर्म के जानकारों के अनुसार होलिका की अग्नि मनुष्य के अंदर की बुरी आदतों का अंत करती है। इसके अलावा जीवन में आ रही बाधाओं से भी होलिका की अग्नि मुक्ति दिलाती है। होलिका दहन से पहले काले तिल को अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। होली के मौके पर अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो गेहूं की 7 बालियों से आप कुछ उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले गेहूं की 7 खड़ी बालियों को लेकर खुद के ऊपर से 7 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद इन गेहूं की बालियों को होलिका की पवित्र अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जातकों पर पूरे साल बनी रहेगी और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होगा। होलिका की अग्नि में गेहूं की 7 बालियों की आहुति दी जाती है। दरअसल 7 के पीछे मान्यता ये है कि 7 का अंक बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए हफ्ते में 7 दिन और विवाह में 7 फेरे होते हैं। यही वजह है कि गेहूं की 7 बालियां होलिका में डाली जाती हैं। वहीं होलिका की राख से भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो करना बेहद लाभकारी होते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप होलिका दहन की राख की सहायता ले सकते हैं। होली के दिन सुबह होलिका दहन की राख ले आएं और उसे पूरे घर में छिड़क दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही ग्रह कलेश दूर होते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो ऐसे में होलिका दहन में 1 पान में 1 बताशा और 2 लौंग रख कर अर्पित करें। इसके बाद राख को घर ले आएं और उसे रोगी के शरीर में लगा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगी को बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप होलिका दहन की राख को किसी लाल कपड़े में तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ बांधकर उसे तिजोरी में रख दें। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन में वृद्धि होती है। सुबह सबसे पहले गोमाता के चरणों में गुलाल डालकर उनका आशीर्वाद लें, सभी देवताओं का आशीर्वाद लें। उसके बाद गाय को हरा चारा रोटी गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि आएगी। होलिका दहन के समय गेहूं जौ और चने की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि का आगमन होता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को है। इस दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। होलिका दहन का समय 1:14 का है। भद्रा पूज के दौरान भी होलिका दहन किया जाता है। इस दिन भद्रा पूज में होलिका दहन का समय 6:33 से लेकर 7:53 तक है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।